आप देख रहे हैं नेक्स्ट नवाज, मैं हूं आपके साथ सिराज। नीतीश कुमार ये वो नाम है जिसने बिहार की सत्ता में 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। उसके बाद से ही नीतीश कुमार लगातार चर्चा में है और एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है इंडिया गठबंधन को लेकर। ये बयान बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करता है। जरा सुनिए वो बयान। हमको नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, उन्होंने अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब अपना कर दिया तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब किन्हें निकले रहेंगे। हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, याद रखें। शुक्रिया सर, हम अरे बाप रे बाप। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार जब से इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ कर आए हैं, तो कभी वो कहते हैं कि राहुल गांधी मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो नाम है वो कहीं ना कहीं मेरे सहमति से नहीं रखा गया है और मैं इससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा जरूर थे। एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में है इसलिए क्योंकि अब यही नीतीश कुमार है जो पहले इंडिया गठबंधन में थे, तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एनडीए के साथ हुए यानी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, तमाम तरह की बातें सामने ला रही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि संयोजक के नाम ऐलान करने को कहा गया था राहुल गांधी को, लेकिन उन्होंने नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी। और इसके बाद से अब उनका एक नया वीडियो आया है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक मायनों में कई सवाल खड़े करता है एक वीडियो। पहला कि आप इंडिया गठबंधन के नींव रखने वाले व्यक्ति थे और आप ही ने इंडिया गठबंधन का नींव रखा, सबको समेटा, लेकिन आपने पार्टी छोड़कर गठबंधन से रिश्ता तोड़कर चले गए। दूसरा कि आप गठबंधन में जाने के बाद किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर होते हैं और इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर जिस तरीके से चौंकाने वाला बयान देते हैं कि मैं इस नाम से सहमति नहीं जता रहा था, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के बावजूद नाम रखा गया। आपको समझना होगा कि इस गठबंधन में 28 दल थे। अगर सिर्फ आपकी बात को मानकर यह नाम रखा जाए तो कुछ भी कहीं ना कहीं और भी जो लोग हैं वो नाराज हो सकते हैं और वो भी पार्टी छोड़कर गठबंधन तोड़कर जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तब कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही अब इंडिया गठबंधन से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है तो तमाम उन पहलुओं को बाहर कर रही हैं, उन तमाम बातों को उजागर कर रहे हैं जिनसे वो सहमत नहीं थे। अब नीतीश कुमार आगे क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। जब तक बने रहे नेक्स्ट नाइन रिपोर्ट के साथ। नीतीश कुमार को इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।